गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुपाती पर चूरन पर। मेरा नाम है पम्मी और आज हम बिल्ड करने वाले अपने खतरनाक वाला पीसी। लेकिन खतरनाक वाला पीसी बिल्ड करने से पहले मुझे सारे डब्बे यहाँ से बाहर निकालने पड़ेंगे क्योंकि लिटरली कमरे के अंदर खड़े होने की जगह नहीं है। यहाँ पर देखो कितना गंद मचा हुआ है, चारों तरफ डब्बे, यहाँ पर भी डब्बे, बंदा यहाँ से चैन से खड़ा नहीं हो सकता। और अभी अंदर जाके हम बिना डब्बे मूव किए पीसी बनाएंगे। वो मैं नहीं मानता भाई, ये क्या टूट गया अभी पटाके निकलो सब्सक्राइब, ठीक है ना? 1 and 2 and 3 ये पैकेट फोड़ रहे हैं यहाँ पर। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि आज हमारी वीडियो पर आ चुका है एक ब्रांड न्यू स्पॉन्सर। यस, फाइनली एक और स्पॉन्सर, वो भी हमारी वीडियो पर। और आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर हैं स्लाइस। और अभी आप पूछ रहे होंगे कि स्लाइस क्या है, तो स्लाइस है गाइस एक क्रेडिट कार्ड चैलेंजर जिसको ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं है और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। और आपका कार्ड अप्रूवल हो सकता है इंस्टेंटली, पेपरलेस डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली, वर्चुअल कार्ड इन योर ऐप इंस्टेंटली, और रिवॉर्ड पॉइंट्स जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हो पैसों में Instantly। और मजे वाली बात तो ये है कि इनकी क्रेडिट लिमिट है अप टू 10 लाख रुपए और आपको ये देंगे वीजा कार्ड जो कि आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। और अभी गाइस जल्द थाम के बैठे क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ स्लाइस का बिगेस्ट एडवांटेज, और वो है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने पर आपको मिलता है अप टू 2% कैशबैक। मैंने माइक को गुस्सा मार दिया, इतना खुश हो रहा हूं मैं। और इतना ही नहीं गाइस, स्लाइस के कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, नो ईएमआई कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, डेली, वीकली, मंथली ऑफर्स फ्रॉम ज़ोमैटो, अमेज़न, मंत्रा और बहुत सारे। और आप स्लाइस के साथ अपनी क्रेडिट स्कोर भी एकदम सॉलिड लेवल का बिल्ड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस, रीपेमेंट्स कैन बी डन बाय स्प्लिटिंग द बिल इनटू 3 मंथ्स, उसकी भी कॉस्ट नहीं है। यार ये सही है यार ये चीज तो। और गाइस इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखा, तो प्लीज चेकआउट कर लेना। स्पॉन्सर है यार, अगली वीडियो भी स्पॉन्सर करवानी है तो प्लीज चेकआउट करवा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, फुल डिटेल आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो चलिए वापस चलते हैं अपने व्लॉग पर। ऑनेस्टली मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं भाई, कहां से करूं यार मैं। इसके अंदर से मेरे को ये मिला पटाखा, तो एक बार इसे बताइए। होल्ड वाली पावर आ गई मेरे अंदर, कैच कर। डब्बे मत फेंको, तो ये गाइस डब्बे मत फेंको, हमारा लेजेंडरी टूल बॉक्स देसी टिकटॉक हैक में। अभी आपको बताता हूँ, ये देखो शिवास रीगल के डब्बे में हमने टूल्स रखे हुए हैं। और ये देखो गाइस कितना सारा कमरा खुल चुका, नीली पूरा कमरा खुल गया। और अभी कंप्यूटर बनाने की जो मेन चीज है पेचकश, वो हमारे पास है ही नहीं, तो अभी जाके पेचकश लेके आना है। मौसम को ज्यादा ही मस्त वाला लग रहा है आज मेरे को, लेकिन मस्त वाले मौसम की एक प्रॉब्लम है, एक गाड़ी अंदर से बहुत गर्म होगी यार। और गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि चपाती भाई गाड़ी ठंडी कैसे करते हैं, खतरनाक टोट के दिखाओ अपने। ओके ओके, फिर हाँ गाड़ी ठंडी हो गई। स्टीयरिंग को हाथ लगा, एक बार फिर से हम लेजेंडरी शॉप के ऊपर आ चुके हैं। लेजेंडरी शॉप नहीं दिखानी, तो यार बॉयज हम बीएनक्यू में बिल्कुल आए नहीं है, ये बीएनक्यू नहीं है, पेचकश हमारी अपनी कंपनी के पेचकश है, ये वो शॉप नहीं है जो आप मान रहे हो। कौन से लूं यार, इतने सारे मेरे को तो पता भी नहीं था यहाँ पे इतने सारे होंगे। मामा ये तलवार नहीं लेनी, कंप्यूटर ठीक करना है मेरे को। इसके अंदर इतने स्क्रूज है कि मैं सबके स्क्रूज टाइट कर दूं। और गाइस फाइनली केस बार आ चुका है, और बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया, इसको भी निकालो। रखना है सीधा, नाइस। और पहले बोलो कि इस कार्डबोर्ड बॉक्स को कौन रिमूव करेगा? नहीं, ये कार्डबोर्ड बॉक्स में इसलिए रखा हुआ गाइस कि ताकि हमारी जो लक्कड़ है ये स्क्रैच ना हो। ओह ओके, प्रिंट टिकटॉक हैक एंड नाइस, न्यू केस आ चुका है, एकदम सेफ तो है हमारी। ये डब्ल्यूएम एकदम से लोडेड हो चुकी है, तो सबसे पहले यहां से बुलेट निकाल ली और यहां पर डाली। ओके एंड लोडेड, ये जो है इसको साइड रख लेते हैं। हाँ, इसको साइड में रख दो, कहीं ये तोड़ दो। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको सेफली रखते हैं यहाँ पर। नाइस, ये फिलहाल हमें 5-6 घंटे के लिए नहीं चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर पूरा केस एकदम से हटा दिया, ये रहे केस के पार्ट्स, CS5 जैसा लग रहा है CS5। और अभी हमने जो है गाइस यहाँ पर पुराने पक्के निकाल लिए, हमने यहाँ पर लगाने आरजी वाले गुम हो गए। अभी कितना बाकी है, कितना पीसी खोलो, ये कहाँ से आ गए ये इन पक्कों का गाइस, हम होममेड ड्रोन बनाएंगे। तो गाइस मेरी प्लानिंग ये है कि मदरबोर्ड को पहले बाहर निकाला, सारे पार्ट्स मेरे को इसी के अंदर इंस्टॉल करने हैं। ओके गाइस, मेरी प्लानिंग थोड़ी चेंज हो चुकी है, मदरबोर्ड को बाहर निकालना क्योंकि उसके पार्ट्स पड़े हैं। कहाँ पर है भाई, ये देख। ये भी निकाल लो, क्या फीलिंग, लॉकी तेरी बारी, तू वाला ये वाला निकालेगा। लेट्स गो, रेडी रेडी हो, मैं निकालूंगा। और
दीदी मैंने अभी तेरे को उल्टे हाथ की चपेट लगानी थी, आज निकालना तेरे को। हाँ मैं निकालूंगा। और ये देखो, लेट्स गो। अभी आता है गाइस, थ्रो सा सर का डब्बा, तोड़ दोगे जो खाली हो। ओ तेरे ये पैकेजिंग देखो, लेजेंड मतलब एटलीस्ट पक्का तो सॉक में दो यार। वो आराम से अगर खराब होगा तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा हम कितने बेकार है पीसी बिल्डिंग में। आराम से यहाँ पर वो गया ना, गया गया था। देखा पावर, पंखी पावर। और ये है गाइस सैमसंग की 980 प्रो। तो जैसे ही मैंने प्रो सुना ना तो मैंने सोचा कि गाइस प्रो चीज है तो दो लेते हैं। सही है। ये प्रो है तो ये है असली प्रो माल, तो यहाँ पे बैठा है। ये जाएगा यहाँ पर और पता नहीं कैसे जाएगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रही कैसे जाएगा। ये प्रो नंबर टू, बहुत ज्यादा डेंजरस लेवल का काम चल रहा है। जो चीज खोलो पहले पेपर पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद ये चीज देखनी पड़ती है। तो बट एनीवेज अभी हम खोल रहे हैं ये क्रैकन्स का Z73। तो सबसे पहले ये जो पखे हैं ये मेरे को नहीं चाहिए, तो ये हम ऑनेस्टली क्या मेरे को पता नहीं था क्या करना है। ये क्या है भाई? ये कौन सी चीज मुझे दिख रही है भाई यहाँ पर? एनीवेज इसको यहाँ से निकालना है और अभी हमें ये रिमूव करना है क्योंकि हम इसके ऊपर लगा रहे हैं अपनी खतरनाक वाली वो पता नहीं कैसे लगती है, पहले वो भी लगानी है मेरे को। आई डोंट थिंक ये काम करेगा। लॉगे एंड नाइस, साफ हो रहा है, साफ हो रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ द ये जो गाइस जो पड़ा हुआ है इसको हम यहाँ से पेशों से निकाल लेते हैं। निकालो इसको, इजी है यार, इजी है, निकालो इसको भी। और इसको फुली ध्यान से क्लीन करने के लिए हम आखिर में लगाएंगे थोड़ी सी नेल पॉलिश रिमूवर। इसको आराम से हटा दो, ये हो गया एकदम शीशा लग रहा है। अभी इसको चाटना है। अभी मेरे को ये समझ में आ रहा है इसको मैं ऐसे लगाऊं, इसको मैं ऐसे लगाऊं, I don't know, ऐसे लगाना है कि ऐसे लगाना है। अभी गुड थिंग ये है कि अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो मेरे तीनों पंखे ऊपर से दिखेंगे, अगर मैं ऐसे लगाता हूँ तो ऊपर के लिए सिर्फ दो पंखे हैं। ओके, तो ये हैं गाइस हमारे तीन पंखे जो कि हैं RGB वाले और ये कंट्रोल करेंगे हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम। तो ये पंखा नंबर वन, ये पंखा नंबर टू और ये पंखा नंबर थ्री। अभी इसके अंदर इतने स्क्रूज हैं कि तुम सोच भी नहीं। पूरा घर बन जाएगा स्क्रूज। भाई जुबिंदर आज बनाएगा पीसी। तो गाइस चपाती भाई यहाँ पर अपना पीसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गाइस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। हाँ ये क्या कर रहे हैं, बनाओ फिर बनाओ। अभी आती है हमारी थर्मल टिक्के बैठ जग जगह यार, क्या है तेरे को टिक्के बैठ। सबसे पहले ये केस उतारो और उसके ऊपर ये लगाओ। आजा लोगे तेरे को टिक्का लगाऊं। थोड़ा सा इसके ओ वापस इसको निकाल दो और इसको इसके ऊपर डालो बिकॉज दिस इज टू स्केरी फॉर मी। अब ही गाइस इसके साथ ये लकड़ी ये पैड्स आए हैं तो इन पैड्स से मुझे हल्के हल्के ये जो है प्रोसेसर के ऊपर लगानी है। इसके साथ चम्मड़ भी नहीं रही भाई, क्या ये? अभी गाइस आ रही है हमारी 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 रैम एंड जॉयस्टिक्स, वो भी आईवी वाली। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुश करने की कोशिश करूँ तो शायद हो जाएगा। नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे कूलर फिर से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली तार मेरे को ये मदरबोर्ड वाली चाहिए लाल रंग की, इतनी मोटी हुई। उसके बाद मेरे को चाहिए ये ग्राफिक्स कार्ड वाली, बाकी मैं डाल दूं इसको। मोहल्ले को पावर देने वाली पावर सप्लाई भी आ चुकी है, ये देखो। तो इसके अंदर जितनी तारें होंगी वो भी एकदम टोटल वेस्ट। पावर सप्लाई है मामा, पावर ही नहीं आएगी। और सब डब्बों के अंदर ये निकला कुकड़, 1000 वॉट की पावर सप्लाई। ओके गाइस अभी आ चुका है डे नंबर टू और मेरे को यार इस कमरे में जाना ही नहीं है। टाइम की तरफ देखो तो सुबह 7 बज रहे हैं तो और मेरे को वहां नहीं जाना, बहुत सारी केबल्स है वहां पर यार। ओ भाई ये देखो, वैसे नीली देखा जाए तो सब कुछ नीली देन है, तो मैंने थोड़ी बहुत केबल मैनेजमेंट करके रखी है जो कि ऑब्वियसली बाद में करते हैं। और ये मैं वापस भेज रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये लाइटें पसंद नहीं आई। ये देखो ये लाइटें मेरे को पसंद है, ये मैं वापस भेज रहा हूँ तो मेरे को नहीं चाहिए ये। और इसकी जगह मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रूम के लिए लाइट्स ले लूं। तो ये छोटी छोटी लाइटें कंप्यूटर के अंदर कितनी लाइटें लगाऊंगा यार, तो मैंने सोचा कि इसको कैंसिल करते हैं, हम लेंगे रूम के लिए लाइट्स। आई डोंट थिंक के यहाँ पे फिट आएगा यार, इतना मोटा कार्ड है यार। ओ मैन मेरे मुंह से बड़ा, ये देखो। और ऐसे करके हमने कंप्यूटर का वजन 4 किलो और बढ़ा दिया। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो। तो गाइस जब मैंने पहली बार ऑन किया ना तो मैं डर गया था क्योंकि मेरी रैम स्टिक्स जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी और CPU जो है बार बार पी 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 मचा रहा था। तो मैंने उसको बहुत रिस्टार्ट किया, बहुत चेक किया, बाद में मेरे को पता लगा कि मैंने रैम स्टिक्स ठीक से नहीं डाली थी, वो आधी नीचे से बाहर आ रही थी तो बहुत डर लग गया। इसके अंदर है चटाई, लिटरली इसके अंदर चटाई है, क्रिटिकल भार।
अभी खोलते हैं माउस, इसको भी यहाँ से खोलो एंड सेम वाला ही है उधर जो मैं यूज कर रहा हूँ। और अभी आता है जी कीबोर्ड, क्या बात है, मस्त वाली फीलिंग। चलिए गाइस हमारा सेटअप एकदम से रेडी हो चुका है, हमारी लाइटें, दूसरी लाइट, कैमरा, कीबोर्ड ब्रांड न्यू, एकदम बढ़िया और मस्त भाई, सब खतरनाक लग रहा है। और बिग शाउट आउट टू लॉगी, उसने इतना बड़ा सरप्राइज दिया, अभी मुझे टर्न ऑन करना है। 1 2 3 और नीचे से स्विच ऑन किया कि नहीं। 1 2 3 ओ मुझे लगता है सबने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया। ये किस चीज की आवाज़ थी? One beat मतलब everything is fine, ठीक है ना? तो अगर आपको पूरा रूम टूर देखना है, ये कमरा और नेक्स्ट कमरा, गिव मी 200,000 लाइक्स। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सी यू एवरीवन एंड बाय बाय।